बहुत पुराना शेर है दोस्तों कि सपेरे बिलों के बाहर अपनी अपनी बीन लेकर के बैठे हैं, सपेरे बिलों के बाहर अपनी अपनी बीन लेकर के बैठे हैं, लेकिन सांप भी अपने अपने बिलों में दूरबीन लेकर के बैठे हैं। आज के जमाने में इस ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन अर्निंग जितनी भी इस तरह की एप्लीकेशन है, उनका हाल भी इसी तरह से है कि आप जितना भी बचने की छिपने की कोशिश करो, लेकिन वो कहीं ना कहीं से आपको ढूंढ ही लेते हैं। कोई ना कोई नया लालच दे करके, वर्क फ्रॉम होम का लालच दे करके, वो कहीं ना कहीं से हमें अट्रैक्ट कर ही लेते हैं। और हम चाहे ना चाहे, जाने अनजाने हम इनकी बातों में आ ही जाते हैं। तो आज का वीडियो भी फ्रेंड्स इसी तरह की एक एप्लीकेशन पे बेस्ड है, जिसने अभी हाल ही में एक नए नाम से फिर से अपने काम को स्टार्ट किया है। फिर से वो लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, फिर से लोगों के नेटवर्क को अपने साथ वो लाने में पूरी तरह से लगे हुए हैं। इससे पहले इन्होंने एक नए नाम से बहुत ढेर सारे लोगों को अपना निशाना बनाया है, उनसे बहुत सारे पैसों की ठगी करी है और एकदम से लेकर के वो सारी चीजों को भाग चुके हैं। तो गाइज आज की वीडियो को आप स्टार्ट टू एंड पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं इसी तरह की एक नई एप्लीकेशन के बारे में आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। तो चलिए गाइज हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि अभी आप लोगों के पास एक इन्फॉर्मेशन आ रही होगी, या तो बाई यूट्यूब या फिर व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए या फिर टेलीग्राम के जरिए, कि अभी स्टार ओशन वालों ने थंडर मॉल नाम से एक एप्लीकेशन को स्टार्ट किया है और इसका प्रोसेस भी, इसका फॉर्मेट भी ऑलमोस्ट स्टार ओशन के जैसा ही है। हालांकि वहाँ आप अपने काम की शुरुआत 1100 में करते थे, लेकिन यहाँ पे आपको कम से कम 2000 रुपीज पे करना है। यानी आपको स्टार्ट करने के लिए आपको 2000 रुपीज पे करना है, और हमें लालच देने के लिए कंपनी हमें 88 रुपीज का आईडी को साइन अप करने पे एज अ बोनस रिवॉर्ड भी दे रही है। और इतना ही नहीं, जब आप साइन अप करके साइन इन करते हो तो आपके सामने कंपनी की तरफ से एक कैटलॉग आता है, जिसमें आपको कैशबैक रिवॉर्ड के बारे में बताया जा रहा है, जिसमें आपको बताया जा रहा है कि अगर आप 2000 से स्टार्टिंग करोगे तो आपको 158 रुपीज एज अ कैशबैक रिवॉर्ड मिलेगा। अगर आप 5000 से करोगे तो आपको इतना रिवॉर्ड मिलेगा। अगर आप 10000 से करोगे तो इतना रिवॉर्ड मिलेगा। 20000 से करोगे, इवन 50000 तक का वहां पे उन्होंने कैशबैक रिवॉर्ड का ऑफर दे रखा है। में से बहुत सारे लोग इस लालच में आकर के न सिर्फ अपनी आईडी को साइन अप कर रहे हैं, बल्कि आईडी को टॉप अप भी कर रहे हैं, और काफी सारे लोगों को रिवॉर्ड मिला भी है। इनफैक्ट मुझे भी ये रिवॉर्ड मिल चुका है। लेकिन गाइज अब बात ये आती है कि इस तरह से बार बार फ्रॉड करने के बाद भी ये लोग फिर से हमारे पास नए नए नामों से, नए नए बिजनेस प्लान के साथ में, नए नए ऑफर के साथ में बार बार ये क्यों हमें अपने साथ लगाने के लिए आ जाते हैं। तो जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है वो आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि इन लोगों ने बहुत हद तक की हम इंडियन लोगों की कमजोरी के बारे में जान लिया है। जैसे कि ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं और वो कोई ना कोई काम की तलाश कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, अगर कोई बंदा कहीं पे जॉब कर भी रहा है या फिर कहने को वो बेरोजगार नहीं भी है, तो भी वो अपनी इनकम से सेटिस्फाइड नहीं है और कुछ ना कुछ ऑप्शन वो अपने लिए साइड में पार्ट टाइम या फिर फुल टाइम के रूप में वो सर्च कर रहा है। तो ऐसे लोगों को ये टारगेट करते हैं। इसके अलावा घर में बैठी हुई फीमेल्स या फिर हाउसवाइफ्स या फिर स्टूडेंट्स वगैरह भी इस तरह के लालच में अक्सर वो आ जाते हैं, क्योंकि फिलहाल के लिए वो जॉबलेस हैं या फिर अपनी करंट स्थिति से, करंट इनकम से वो सेटिस्फाइड नहीं है। तो अब बात यह आती है कि क्या इस तरह की चलती हुई सारी की सारी कंपनियां फ्रॉड हैं? तो अभी तक की जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैं सबके बारे में तो खैर नहीं कह सकता हूं, लेकिन हर वो कंपनी जिसमें आप एक छोटा मोटा अमाउंट लगा करके एक बड़े अमाउंट का लालच दिया जाता है और जिसमें कुछ खास करने के लिए भी नहीं होता है, आपको केवल 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट क्लिक करने से या फिर ऑर्डर को ग्रैब करने से या फिर इससे मिलता जुलता कोई भी काम करने से अगर आपको एक बढ़िया इनकम के बारे में बताया जाता है, तो मैं समझता हूँ कि वो फिलहाल आपको या फिर हमें एक तरह की लालच दी जा रही है और इसके पीछे की स्टोरी कुछ और होने वाली है। हाँ, कुछ कंपनियां हैं जो ऑनेस्टली अपने काम को कर रही हैं, लेकिन उसमें सक्सेस इतनी
तेजी से इतनी जल्दी जल्दी बिना कुछ किए आपको नहीं मिलने वाली। वहां पे आपकी इनकम की, आपकी डेजिग्नेशन की ग्रोथ इतनी जल्दी जल्दी या फिर इतनी आसानी से नहीं होगी। दूसरे, इन लोगों का काम करने का फॉर्मेट कुछ ऐसा होता है कि ज्यादातर ये लोग आपसे जो कन्वर्सेशन की बात करेंगे वो सारी की सारी इंग्लिश में होगी, और ये लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम इंडियन लोग इंग्लिश में उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते हैं। तो बहुत सारे लोग तो अपनी बात को उनके सामने रख भी नहीं पाते हैं, वो किसी तरह से अगर उन्होंने इंग्लिश में क्वेश्चन कर भी लिया तो उधर से जो आंसर आता है उस आंसर को वो पूरी तरह से समझ नहीं पाते हैं। इसके अलावा सारे के सारे लोग हिडन रहते हैं, पर्दे के पीछे रहते हैं, आप किसी को भी ना कांटेक्ट कर सकते हो ना कोई कॉल कर सकते हो। और ज्यादातर इन लोगों का जितना भी कन्वर्सेशन रहता है, आपने देखा होगा कि अक्सर ये लोग फीमेल बनकर के लोगों से कांटेक्ट करते हैं। अगर वो मेल भी होते हैं तो भी आप उनकी डीपी को सर्च करोगे तो भी आप पाओगे कि सामने वाली एक फीमेल है, और अक्सर लोग फीमेल से उतना कंफर्टेबल होकर के क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाते हैं, और बहुत सारे लोग इस हेजिटेशन में भी अपनी बात को नहीं रख पाते हैं। इसके अलावा ये लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि आफ्टर COVID-19 बहुत सारे लोग जॉबलेस होने के बाद वर्क फ्रॉम होम को तलाश कर रहे हैं, तो इस पॉइंट को भी नजर में रखते हुए वो लोग इस तरह का हमें लालच देते हैं। और अगर आप इनको अच्छे से स्टडी करोगे तो आप पाओगे कि आफ्टर COVID-19 ही इस तरह की सैकड़ों कंपनियां मार्केट में आई हुई हैं, और जब से लेकर के अभी तक की वो फ्रॉड पे फ्रॉड, नए नए नाम बदल करके, नई नई चीजों को ला करके हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही हैं। अब सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी जरूरी बात यह है कि क्या हमें इस तरह की कंपनियों में काम करना चाहिए या फिर नहीं। गाइस, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं आपको फ्रेंडली एडवाइस करना चाहूंगा कि अगर आप इस तरह की कंपनियों में काम कर रहे हो, आपको अवेयर हो करके काम को करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अपना पर्सनल डेटा उनके साथ शेयर नहीं करना है, किसी भी तरह की OTP उनके साथ शेयर नहीं करना है। आप काम तो कर सकते हो, क्योंकि मैंने भी इस तरह की काफी सारी कंपनियों में काम किया भी है और कर भी रहा हूँ। एक आध जगह पे मेरा लॉस भी हुआ है, लेकिन फिर मार्केट में अपडेट रखने के लिए, कुछ वीडियोस वगैरह बनाने के लिए मुझे डेटा की जरूरत पड़ती है, तो जाने अनजाने में भी हमें कई बार इस तरह की कंपनियों के साथ टाई अप करना पड़ता है। और कोई भी वीडियो को या फिर पब्लिकली सारी चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए हमें उसका मेंबर बनना ही पड़ता है, तभी जा करके हम आपको सारी चीजों को बहुत गहराई से एक्सप्लोर करके बता सकते हैं। मैं आपको ये एडवाइस करना चाहूंगा कि इस तरह की कंपनियों में बहुत सोच समझ करके आपको ID साइन अप करनी है, पेमेंट लगाना है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे आप किसी भी तरह का कोई करियर का या फिर फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन आप बिल्कुल भी मत लगाइए। जहां तक हो सके लोगों को अगर आप अपनी टीम में कनेक्ट कर रहे हो, रिक्रूट कर रहे हो, तो उनको सारी बातें A to Z पूरी तरह से क्लियर करके बता दीजिए कि मेरी किसी तरह की कोई गारंटी वारंटी नहीं है। आप अपनी सोच समझ से अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो आप अपने रिस्क पर इस काम को स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मैंने अपने हर एक वीडियो में बार बार ये चीज आपके सामने बोली है कि मैं यहाँ पे आपको एक जस्ट इंफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजों को बता तो जरूर रहा हूँ, लेकिन अगर आप काम शुरू करना चाहते हो, आप यहाँ पे ID साइन अप करना चाहते हो, पेमेंट लगाना चाहते हो, तो फिर वो आप अपने रिस्क पर करना है। इसमें मेरी किसी तरह की कोई गारंटी वारंटी नहीं है। एक बात कही जा सकती है कि जब भी कोई कंपनी नए नाम से या फिर नए बिजनेस प्लान के साथ में चीजों को स्टार्ट करती है, तो ऐसा मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि कुछ दिन तक की वो मार्केट में बनी रहती है। इस बीच जो लोग उनके साथ कनेक्ट हो जाते हैं, उनकी अर्निंग भी होती है, उनका विड्रॉल भी सक्सेस होता है, उनका पेमेंट भी उनके पास अगेन एंड अगेन आता है, लेकिन कब कहाँ क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो बहुत सोच समझ करके आपको अपनी टीम में लोगों को रिक्रूट करना है, क्योंकि जाने दोस्तों आज का वीडियो क्योंकि थंडर मॉल एप्लीकेशन पे बेस्ड है, तो आप ये भी जानना चाह रहे होंगे कि इस काम को हम स्टार्ट करें या ना करें, या करना है तो कितने से स्टार्ट कर सकते हैं, हमें यहाँ पे पेमेंट आएगा या फिर नहीं आएगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये भी स्टार ओशन वालों ने ही इसको स्टार्ट किया है। यहाँ पे आप ID साइन अप करने के बाद आपको कम से कम 2,000 रुपीज से आप स्टार्ट कर पाओगे। 2,000 रुपीज अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करते हो तब आप ऑलमोस्ट 60 रुपीज तक की डेली अर्न कर पाओगे। अगर आप यहाँ पे कनेक्ट होना चाहते हो तो आप स्क्रीन पर दिए हुए हमारे इनविटेशन कोड से आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन लिंक में भी अपना इन्विटेशन कोड मैं दे दूंगा,
लेकिन करना दोस्तों आपको अपने रिस्क पर ही है। आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के थ्रू आपको एक सही इन्फॉर्मेशन मैं दे पाया हूँगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे लोग अवेयर हो जाएं। तो फाइनली टेक केयर एंड बाय बाय फ्रेंड्स।